अपने चैनल के सारे दर्शकों ना हाथ जोड़ के राम राम भाई। आज का अपना सफ़र है सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जीओं के गांव जाटी कला का। जाटी गांव जाने से पहले एक बार मैं आपको यहां की करंट लोकेशन बता दूं, मैं जहां खड़ा हूं ये है दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर। जो ये सामने रास्ता जाने लग रहा ये गया सोनीपत पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र अंबाला चंडीगढ़, और जो ये गया बाई साइड ने ये रास्ता है ये गया नरेला साइड ने, और जो ये दाहिने साइड ने रास्ता गया ये गया सिंधु साइड ने, और जो ये सामने जाने लग रहा रास्ता ये गया दिल्ली साइड ने। और जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा सामने, ये मंदिर दादा लक्ष्मीचंद जी के सगे मामा के लड़के और उनके शिष्य भी थे पंडित रतिराम जी, हीरापुर गांव से, जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हीरापुर गांव से पंडित रतिराम जी थे जो बाद में सिंधु गांव में आगे रहने लगे थे। ये पंडित रतिराम जी के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है शिव मंदिर, इसी में उन्होंने अपने गुरुजियों को स्थान दिया है। तो एक बार मंदिर भी जाके आते हैं। ये है दादा लक्ष्मीचंद जीओं के शिष्य पंडित रतिराम जीओं का बनाया हुआ शिव मंदिर भी है, और इसमें उन्होंने अपने गुरुजियों को स्थान दिया है। ये लिख रखा है इधर साधु सेवा आश्रम जय भारत शिव हनुमान मंदिर सिंधु बॉर्डर दिल्ली 40। पंडित रतिराम जी ने अपने गुरुजी स्वर्गीय कवि सूर्य पंडित लक्ष्मीचंद जी की याद में सभी के योगदान से बनवाया। कवि सूर्य पंडित लक्ष्मीचंद गंगा जी निस्तार की मन शरण ली त्रिया मवासी नाथ शरण सतगुरु की मान सिंह चितला लक्ष्मीचंद शरण तेरी गंगे किस दिन करेगी सहा गंगा जी निस्तारेगी। यजुर्वेद से सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी। ये है दादा रतिराम जी का बनाया हुआ शिव मंदिर। वो पीछे रह गया सिंधु बॉर्डर। अब सिंधु बॉर्डर से लगभग 200-300 मीटर इधर सोनीपत की साइड चलेंगे तब आता वो कट, ये दिखाई दे रहा तो सामने, इस कट को कुंडली बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं और लक्ष्मी प्याऊ के नाम से भी। इस कट से जो ये दाहिने साइड ने रोड जाने लग रहा ये जा रहा है शेरशाह जाटी खटखड़ को, और इसी बॉर्डर के ऊपर ये जो दाहिने साइड ने है ये है दादा लक्ष्मीचंद पाठशाला। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद श्री सनातन धर्म हिंदू संस्कृत महाविद्यालय लक्ष्मी प्याऊ कुंडली सोनीपत हरियाणा। ये है दादा लक्ष्मीचंद पाठशाला। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद श्री सनातन धर्म हिंदी संस्कृत महाविद्यालय लक्ष्मी प्याऊ कुंडली सोनीपत हरियाणा। ये बोर्ड भी लगा है, यह प्याऊ रामेश्वर दास गुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट डी 36 साउथ एक्सटेंशन भाग एक नई दिल्ली ने मार्च 1973 में बनवाई। श्री जगन्नाथ जी गुप्त, श्री रामेश्वर दास गुप्त, श्री राधेश्याम गुप्त, श्री महेंद्र प्रताप गर्ग, श्री कृष्णावतार गुप्त, श्री रामावतार गुप्त नरेला वाले, ये होती थी दादा लक्ष्मीचंद प्याऊ, जिसने लक्ष्मी प्याऊ के नाम से जाना ने वो थी ये लक्ष्मी प्याऊ। और ये अंदर से पाठशाला का मेन गेट निर्माणाधीन चल रहा है। ये है दादा लक्ष्मीचंद पाठशाला। ये पाठशाला के अंदर मंदिर, ये
और ये अंदर से है पाठशाला। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद पाठशाला। ये अंदर से हो गया और इसका दूसरी तरफ का मेन गेट और दिखा दें आपको। एक मिनट, ये इसका बाहरी दरवाजा दादा लक्ष्मीचंद पाठशाला। सर्व व्यापक ब्रह्म गुरु में आनंद प्रकाश लिए अर्जुन का मोह दूर किया, गीता का सुना के ज्ञान, मन में इंद्री मन बुद्धि में बुद्धि ने दिया जीव पहचान, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तुम्हें को मान, तीन लोक में तीन काल भूत भविष्य वर्तमान, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का हरदम तेरे ऊपर ध्यान, विराट रूप देख रहा तुम अध्याय ग्यारहवें का प्रमाण, सारा जगत दिखा दिया मुंह में रंग रशिया रास तुई है, सर्व व्यापक ब्रह्म गुरु में आनंद प्रकाश तुई है, गिरीपुरी नाथ होकर नाका की जमात भाई, कंडिया मुंडिया सरखंडिया सरभंगी मारा खिलकारी, त्यागी और ग्रैगी योगी सीताराम रजाधारी, मस्जिदों मल्ला कुक मंदिरों का मारा है पुजारी, दासी और कलाशी बासी गरीब दासी और कन्यारी, जंतर मंत्र संतर करते पंडे ब्राह्मण वेदाचारी, ओम भूर भव सौर भूम भक्ति संन्यास तुई है, सर्व व्यापक ब्रह्म गुरु में आनंद प्रकाश तुई है, तुम ही गर्मी तुम ही सर्दी तुम ही धूप तुम ही छा, पांच तत्व पच्चीस प्रकृति तुम ही जीव तु ही माया, आठ मास कनक मूल रूम में जहाँ देखा तू वहीं पाया, मुख प्रधान सृष्टि का वेदों ने तू ही बतलाया, आदि अंत तक अर्थ लगा लिया हरफ हरफ में तू ही पाया, जल पृथ्वी आकाश और वायु अगन देव ने भोग लगाया, ए आ ई ई छोटे बड़े उम अंग अभ्यास तु है, सर्वव्यापक ब्रह्म गुरु में आनंद प्रकाश तु है, भूमंडल पाताल लोक में तेरे नाम से कार्य सत्य, भूमंडल पाताल लोक में तेरे नाम से कार्य सत्य, तुम ही दुखी तुम ही सुखी तुम ही कष्ट कार्य करते, तुम ही भूत तुम ही काल तुम ही डरते, मान संग सदगुरु अर्जुन तेरा ही तो ध्यान धरते, इतनी जैन लक्ष्मी चंद तेरे क्योरे मेरा मेरी करते, सारा झगड़ा मैं और तू मैं सब चीजों के पास तू ही है, सर्व व्यापक ब्रह्म गुरु में आनंद प्रकाश की दो। वाजी वाजी, ये है जी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद स्वागत द्वार जाटी कला। अब हम पहुंच गए हैं जाटी गांव में भाई, दादा लक्ष्मी चंद गांव जाटी कला। और अब आपको दिखाएंगे वो तीन गली जो पंडित मांगेराम जी ने बता रखी है रागनी में कि जाटी के महाराज ये तन कृष्ण श्याम दिखा दूंगा, तीन गाल से परवा पछुआ तन साबत गाम दिखा दूंगा, सीम तले कजल व तन जमुना धाम दिखा दूंगा, और गुरु लक्ष्मी चंद की सेवा करता तन श्री मांगेराम दिखा दूंगा, यो जिट्टी रोड बगै धोरे का ढाई कोस नेरा, और श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। जिट्टी रोड तोड़ हो लिया था जो वो हाईवे था, पर ये आ गया जाटी गांव। अब जाटी की वो तीन गली दिखाएंगे आपको, ये हैं जी वो तीन गली कि भाई जाटी के माँ जी ये तन कृष्ण श्याम दिखा दूंगा, तीन गाड़ से पिरुआ पिछुआ, एक तो ये गई, एक ये गई और एक ये गई भाई, तीनों, एक तो ये सामने रही, एक ये गई और एक ये गई भाई,
तीन गाल से पिरुआ पिथुआ तन सब दुकान दिखा दूंगा। सीम तले का जल बहता इस तरफ ना जी, सीम तले का जल बहता तन जमुना धाम दिखा दूंगा। हर गुरु लक्ष्मी चंद की सेवा करता तन मांगे राम दिखा दूँ। तो ये थे जी वो तीन गाल, और अब चलेंगे दादाजियों के घर। ये है जी दादा लक्ष्मी चंद जीओं का घर, स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी चंद कुटीर। ये है दादा लक्ष्मी चंद जीओं का घर। ये अंदर से बैठक की फोटो, पंडित तुलेराम जी और दादा लक्ष्मी चंद जी। ये दादी बरपाई देवी, बर्फी देवी दादा लक्ष्मी चंद जी की धर्मपत्नी, और ये दादा लक्ष्मी चंद जी। ये दादा तुलेराम जी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित होते हुए, और ये दादा तुलेराम जीओं की धर्मपत्नी। ये है जी दादा लक्ष्मी चंद जीओं की बनाई हुई बैठक, जो खुद दादा लक्ष्मी चंद जीओं ने बनवाई थी, वो आज भी ज्यों की त्यों है। अंदर से राम राम जी। आज पंडित जी का कमरा ये है पुराना, ये देख लो जी कितने साल पुराना होगा। ये दादाजियों के भाई थे के कंगन जी, हाँ जी कंगन पहलवान। बैठ भाई चावल माजू ना चाहे तो साहब, हम तो पाठशाला में बहुत। ये थे दादाजियों के भाई कंगन पहलवान, और ये है दादाजियों के उस टाइम की दादागिरी की बनाई हुई बैठक। यो भाई 100 साल तो ऊपर हो गया, बिल्कुल हो गया। कितने साल जी? 100 साल से 100 साल से ऊपर हो, 70 साल तो 75 साल तो न मरे हो। 75 तो दादा ने पे गुजरे हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए। यो हाथ का कारीगर, यो देख लो हाथ की कारीगरी। और वो मुद्गर था, एक मुद्गर मोगरी। ये जो मोगरी दादर के टाइम की, दादा कंगन की। ये हैं भाई देख लो कितने साल पुरानी है। ये पहलवानी करते थे? हाँ दादा कंगन पहलवानी करया करते। क्या बात है, सब तो बड़े जी, सब तो बड़े कंगन, फिर दादा, फिर दादा लक्ष्मी, फिर दादा दीपा, फिर मारी बुआ जी दो। कौन कौन सी? दंतार छोटो, दंतार छोटो। अच्छा जी, फिर मारा चाचा तीसरे नंबर वाला दीपा, दीपा तीसरे नंबर छह थी, छह बाण भाई थे। फिर मारी बुआ जी सारा में छोटी मुरली जो रामदत्त सुने हो? हाँ जी पंडित रामदत्त शास्त्री, शास्त्री खड़े था वो तो। अच्छा जी, तीन बहन और तीन भाई थे दादर। ठीक ठीक जी, गुजर गए
पंडित जी तो राम जी 6 महीने छुट्टी है यार। पंडित जी की तारीख कुतुबगढ़ में भी है ना? नहीं चाय नहीं रहने, चाय उधर ही बनने लग रही है जी। ना ना अरे चाय आगे आने दे, दूध में पत्ती पड़ेगी। तो ये थी भाई दादा लक्ष्मीचंद जी की बनाई हुई बैठक उस टाइम की। आज का ये अपना सफ़र था दादा लक्ष्मीचंद जी के गांव जाट्टी कला का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद जी।